घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। जय श्रीमन्नारायण। सज्जनों, समाज की श्रृंखला में आज फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूं, प्रेम सनातन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सज्जनों, हमारे ऊपर पांच प्रकार के ऋण होते हैं जिनको चुकाना हमारा कर्तव्य है। हमें निश्चित रूप से उनको नहीं चुकाने से श्राप भी प्राप्त होता है। और ये ऋण कौन से होते हैं? पहला मातृ ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा मनुष्य ऋण, चौथा ऋषि ऋण और पांचवा देव ऋण। सज्जनों, मातृ ऋण माता पक्ष के सभी लोग जिनमें मामा, मामी, नानी, मौसा, मौसी और इनकी तीन पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः माता के प्रति कोई भी गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है तो इसके फल स्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दूसरा पितृ ऋण, पिता पक्ष के लोग जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इनके पूर्व की तीन पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छाया छत्र देता है, हमारा जीवन भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुख को खुद को झेलता है। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान नई पीढ़ी क्या कर पा रही है? पितृभक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने का जीवन भर कष्ट प्राप्त होता है। तीसरा देव ऋण, माता पिता प्रथम देवता हैं जिनके कारण भगवान गणेश महान बने हैं। इनके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा जी, भगवान विष्णु आदि आते हैं जिनको हमारा कुल मानता चला आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी ने तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया है। इस कारण भगवान, हमारे कुल देवी कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्टों को भोगने के लिए छोड़ देते हैं, श्राप देकर उन्हें अपनी परिस्थिति का आभास कराते रहते हैं। चौथा ऋषि ऋण, जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए वंश वृद्धि की उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ में जोड़ने से नई पीढ़ी आज कतराती है। उनके ऋषि ऋण तर्पण आदि नहीं करते हैं, इस कारण उनके घरों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। पांचवा मनुष्य ऋण, माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्य पशुओं पक्षियों से हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर रह जाता है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है। वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा है, ये जग जाहिर है। इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के लिए पितृदोषों का निवारण करना बहुत ही आवश्यक है। आज के संवाद को
यहीं पर विश्राम देता हूँ। पुनः नए संवाद के साथ में आपके साथ में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे।